चेन्नई सुपर किंग और महेंद्र सिंह धोनी ने उठाया है अपना चौथा ट्रॉफी। जी हां, आईपीएल 2021 पर लिखा गया है महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई सुपर किंग का नाम, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता होगा कि चेन्नई सुपर किंग ने जीत लिया है आईपीएल 2021। लेकिन इसमें सभी को तो पता थे कि चेन्नई सुपर किंग इस साल बहुत बड़ा दावेदार है, लेकिन कहीं ना कहीं सभी के मन में डाउट्स भी थे, क्योंकि जैसे जैसे प्लेऑफ के मुकाबले नज़दीक आ रहे थे वैसे वैसे चेन्नई सुपर किंग लगातार एक के बाद दूसरा मैच हारते जा रहे थे और पूरे 3 मैच हार गए प्लेऑफ में आने से पहले। लेकिन उसके बावजूद भी चेन्नई सुपर किंग ने पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर फिनिश किया, जिसके वजह से उनको 2 मौके थे उनके पास कि वो फाइनल में पहुंच सके। और जो पहला क्वालिफायर हुआ उसमें दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके सीधे पहुंच गए फाइनल में, और फाइनल में फिर कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा करके ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया। तो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग ने चौथी बार ट्रॉफी उठाई है आईपीएल की, और कहीं ना कहीं ये महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई सुपर किंग के लिए बहुत बड़ा मोमेंट था, क्योंकि हम सब नहीं जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी अगले सीज़न खेलेंगे नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिपेंड होगी बीसीसीआई किस तरीके से नया फार्मूला लेकर के आती है। जैसे आप सभी को पता होगा कि 2 नई टीम आ रही है, तो उस हिसाब से किस तरीके से रिटेंशन की नियम होगी उस पर ये सारी चीज़ें डिसाइड करेगी कि महेंद्र सिंह धोनी अगला सीज़न खेलेंगे नहीं खेलेंगे। लेकिन हो सकता है कि महेंद्र सिंह धोनी का जो है बतौर प्लेयर आखिरी सीज़न हो, इसलिए चेन्नई सुपर किंग के लिए बेहद ज़रूरी था कि वो ट्रॉफी को जीते, और चेन्नई सुपर किंग के खिलाड़ियों ने ये करके दिखाया है। और अगर खास करके हम फाइनल मुकाबला की बात करें तो फाफ डु प्लेसिस ने बहुत ही ज़बरदस्त गेम खेली और पहले गेंद से लेकर के अंतिम गेंद तक वो खेलते रहे, हालांकि अंतिम गेंद पर वो आउट हो गए, लेकिन उनका योगदान बहुत बड़ा रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो मोइन अली ने ज़बरदस्त पारी खेली, ताबड़तोड़ बैटिंग किया उन्होंने, और बीच में जो रोबिन उथप्पा का एक कैमियो आया था जिनमें उन्होंने 15 गेंदों में 31 रन बनाए थे, वो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो चेन्नई सुपर किंग की जो बैटिंग परफॉर्मेंस थी फाइनल मुकाबले में वो बहुत ही शानदार थी। चेन्नई सुपर किंग ने निर्धारित 20 ओवर में 192 रन बना लिए थे और 193 रनों का लक्ष्य दिया था कोलकाता नाइट राइडर्स को जीतने के लिए, लेकिन 27 रन से कोलकाता नाइट राइडर्स चूक गई और 27 रनों से चेन्नई सुपर किंग ने फाइनल मुकाबले को जीत लिया और बन गए चैंपियन आईपीएल 2021 के, और उन्होंने अपना चौथा ट्रॉफी उठाया। और आप सभी को पता होगा कि चारों के चारों ट्रॉफी महेंद्र सिंह धोनी के ही कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग ने जीती है, क्योंकि अभी तक सीएसके की कप्तानी सिर्फ और सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी ने ही की है। और ये नवा फाइनल था चेन्नई सुपर किंग का। चेन्नई सुपर किंग कह सकते हैं कि एक कंसिस्टेंट टीम रही है आईपीएल की, तो उनकी डिजर्विंग करते थे इस सीज़न की वो जीते, और खास करके जिस तरीके से ये पूरा सीज़न चेन्नई सुपर किंग ने खेला था, जिस तरीके से अपना गेम को दिखाया था, सभी को उम्मीद थी कि चेन्नई सुपर किंग महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में एक बार फिर से ट्रॉफी उठाने के लिए तैयार है, और बिल्कुल ऐसा हुआ भी। चेन्नई सुपर किंग ने शानदार तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा करके ये ट्रॉफी अपने नाम कर ली, और चेन्नई सुपर किंग की इस जीत में इस पूरे सीज़न में बहुत सारे ऐसे प्लेयर रहे हैं जिनके योगदान से चेन्नई सुपर किंग ने मैच जीता, और हर एक मैच में हर एक अलग अलग प्लेयर मैन ऑफ द मैच बने, जिसके कारण से सभी खिलाड़ी ने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया है इस पूरे जर्नी में। तो चेन्नई सुपर किंग को बहुत बधाई क्योंकि उन्होंने चौथा ट्रॉफी अपने नाम किया है। तो पूरी चेन्नई सुपर किंग के प्लेयर्स को, उनके फैन को, उनको समर्थक को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत बधाई, और आने वाले दिनों में भी ऐसे ही प्रदर्शन करते रहे, जीतते रहे, यही हम कामना करते हैं। आप लोग भी अपना शुभकामना संदेश भेज सकते हैं कमेंट के जरिए। बने रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।